सोराइसिस के बारे में बता दो, पूरे शरीर में सोराइसिस हो गया उसमें कायकल्प रोटी कायकल्प क्वात गोमूत्र हम पिलाते हैं शरीर की शुद्धि के लिए होता है। फिर कायकल्प तेल में हम एक थूहर कैक्टस होता है, कायकल्प तेल मान लीजिए 500 ग्राम दिया तो 500 ग्राम थूहर का रस उसमें मिला के पका दिया, उसको लगा दिया, वो तेल लगाया और कपालभाति आधा आधा घंटा करवाया, क्योंकि जितने भी स्किन डिजीज हैं सोराइसिस से लेकर के जितने भी अनुलोम विलोम करो थोड़ा, उसका एक कारण होता है स्ट्रेस, दूसरा कारण होता है लीवर। स्किन डिजीज के दो मेन कारण है, आपका लीवर ठीक है और आपको स्ट्रेस नहीं है तो कोई स्किन डिजीज नहीं होगा आपको, ये गारंटेड बता रहा हूं आपको। अनुलोम विलोम करते रहिए, 5 मिनट करना है। हमने सोराइसिस ठीक किया, हमने एक्जिमा ठीक किया, और गोमूत्र नीम के पत्तों का रस, नीम के पत्तों का रस एलोवेरा गोमूत्र ये मिला करके एक लेप लगा दिया और प्राणायाम करवा दिया धूप में बैठा के सुबह सुबह, सफेद दाग ठीक हो गए। सफेद दाग फुलेरी बोलते हैं कहीं, सफेद दाग बोलते हैं, लिकोडर्मा अंग्रेजी में बोलते हैं, पूरा स्किन का पूरा जो साइकिल है वो उससे अच्छा हो जाता है। अनुलोम विलोम और कपाल भाती है दोनों प्राणायाम आधा आधा घंटे हम करवाते हैं। लिकोडर्मा ठीक किया हमने, लिकोडर्मा एक्जिमा सोराइसिस एक और बीमारी होती है स्क्लेरोडर्मा, उसका तो पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है, उसकी रोगी मैंने अच्छे किए, पूरी स्किन ऐसे हो जाती है ऐसे बजाओ ना तो लोहे की तरह शरीर बजता है, ये हालत हो जाती है उसकी, ये ठीक किया। फिर चमड़ी पर तो कितने भयंकर, कितने चमड़ी के रोग, आंखों के नीचे काला हो गया, फिर इधर ये झाइयां आ गई, एलोवेरा और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एलोवेरा के पेस्ट में नीम के पत्तों का पेस्ट बना करके लगा देते तो झाइयां 100% अच्छी हो जाती है 7 दिन से लेकर के 21 दिन में, 1 to 3 weeks। कोई भी स्किन प्रॉब्लम है लेडीज को बहुत ज्यादा होता है, अलग अलग को यहाँ आंखों के नीचे काला फिर इधर झाइयां आ जाती है तो इतना खराब लगता है पूरा, वो बहुत बुरा पिंपल्स कुछ नहीं है। एलोवेरा जूस पी लो, एलोवेरा जेल लगाओ, ज्यादा झाइयां हो गई तो थोड़ा उसमें एलोवेरा के, एलोवेरा का जो जेल आता है उसमें नीम के पत्तों का भी पेस्ट बना करके लगा दो, छुट्टी, कितने भयंकर हो।